डुंडा ब्लॉक में पहुंचा हूं अपने सहयोगी विशाल शर्मा के साथ। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए आज हम पहुंचे हैं और देख रहे हैं यहां पर, जब हम अपने यहां पर पहुंचते लगभग 4:36 का टाइमिंग हो रहा है और तमाम ऑफिस में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तमाम लोग अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। लगभग लगभग 99% ऑफिसर्स अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। हालांकि हमारी जो आज मुहिम थी, SDM डुंडा आदरणीय जोशी जी हैं जिनका हम आज इंटरव्यू लेने वाले थे, और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पता लगता है कि आजकल एक्स्ट्रा भार उनके ऊपर चल रहा है। भटवाड़ी, चेन्याली, सौड़ वगैरह को देख रहे हैं और साथ में उत्तरकाशी में भी है बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पर कई लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट्स लोग हैं, तमाम यहाँ पर SDM की कार्रवाई चलती है, हालांकि आज नहीं चली है। तो कुछ लोगों का कहना है कि काफ़ी टाइम से जो यहाँ पर नए SDM आए हैं असवाल जी के जाने के बाद, काफ़ी एक्स्ट्रा भार दिया गया है और यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है काफ़ी टाइम से। SDM कोर्ट भी प्रॉपर नहीं चल पा रही है इस वजह से कि जो यहाँ पर जोशी जी हैं SDM अभी डुंडा ब्लॉक में, और बिल्कुल आकाश जोशी जी के बिल्कुल रूम के सामने मैं खड़ा हूँ। आपको बता दूँ काफ़ी एफिशिएंट एंड डिलीजेंट ऑफिसर हैं, अभी बिल्कुल यूथ हैं, यंग हैं, और ख़ासतौर पर हम अभी देख रहे हैं जब हम अपनी सर्वे पर निकल रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में, RTU से लेके तमाम SDM ऑफ भटवाड़ी, SDM ऑफ डुंडा, SDM ऑफ मोरी, सो मोस्टली आर द यूथ का बिल्कुल यूथ टीम यहाँ पर है अभी। मोस्ट ऑफ जगह पर SDM जो है यूथ हैं, और इसीलिए बहुत सारी तारीफ भी हमने सुनने को मिली कि वास्तविक ग्रास रूट पर क्या है उसको। हम यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो तमाम लगभग सभी लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, और ऐसा देखने को मिलता है शायद एक्स्ट्रा भार जो उन्हें दिया गया है, कुछ यहाँ पर जो ब्लॉक स्तर की जो कार्रवाई है पूरी तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल रही है। हालांकि मैं पहले की बात करूँ, यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव माहौल बताया जाता था, हम लास्ट टाइम भी जब यहाँ पर आए थे ये भी देखने को, यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक ड्यूटी पहुँची थी बहुत पहले की, कि ऑफिस में बहुत सारी बीड़ी पी जा रही थी, ऑफिस में बहुत सारा खराब माहौल था पहले, अभी बहुत बहुत कुछ बहुत बढ़िया माहौल दिखाई दे रहा है हमें। बिल्कुल मैं अपने सहयोगी विशाल शर्मा के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस के लिए, NN न्यूज के लिए, उत्तरकाशी उत्तराखंड डुंडा ब्लॉक से, और मेरे और एक पत्रकार गण यशपाल बिस्ट के साथ मैं पहुंचा हूं आज सर्वे पर। और आप देखेंगे जब मैं यहां पर विंडो के पास पहुंचा हूं डुंडा में, लास्ट ईयर की मैं बात करूं, बहुत सारी शिकायतों के बाद अब की बार ऐसा देखने को मिला कि शायद बहुत अच्छा कार्रवाई चल रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। उसके देख रही महिला, क्या नाम है जी आपका? आरती देवी जी, कहाँ की रहने वाली आप? अभी लगभग 4:45 हो रहा है और ऑफिस बंद होने वाला है, क्या काम लेकर के आप यहाँ पर पहुंची हुई? कब, कितनी बार आ चुकी हैं आप? अभी पहले भी आई थी आप, तो जमा कर दिया आपने? पहले कर रखे थे। क्या बोल रहे, साफ देने के लिए तैयार हैं या अभी टाल मटोल तो नहीं है? आप पहले भी आई क्या यहाँ? आप यहाँ पर आ रखी थी, आराम से जमा हो गया था? ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारा काम प्रॉपर सुचारू रूप से नहीं चलता, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या सही है, क्या नहीं चलता सुचारू रूप से काम? ठीक चलता है। कुछ और बोलना चाहेंगे आप सरकार से, कुछ और चेंजिंग चाहिए कि आपको आय प्रमाण पत्र देखिए, बच्चों के प्रमाण पत्र जो भी आप लेते हैं, क्या उसमें दिक्कत तो नहीं आती आपको किसी टाइप की? आप खुद से यहाँ के जो ऑफिसर, आप बराबर आते रहते हैं आप यहाँ से? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि शायद जो जिस काम को लेकर के लोग पहुँच रहे हैं उनके काम हो रहे हैं, और मैं अपनी मुहिम को आगे बढ़ाती हूँ, एक और सर्वे पर निकल रहा हूँ आगे। चलो, और एक मेरे साथ यहाँ पर अर्जना बेस हैं, पुरुषोत्तम जी, जरा पूछ के देखता हूँ। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ पर जो आजकल बहुत दिन से आप देख रहे हैं जो हमारे SDM साहब हैं उनको एक्स्ट्रा भार दिया गया और कोर्ट बहुत कम लग रही है, और आप यहाँ पर क्या करते हैं? आप यहाँ पर पिटीशन राइटर का काम करते हैं। राइटिंग, तो क्या कहना चाहेंगे आप, कोर्ट बहुत कम लग रही है तो कहीं ना कहीं चली रही है? राइट, कम चलती है, तो आपके पास भी नेचुरल है आजकल बहुत, समझो कि काम नहीं है, बहुत कम काम है, काम ठप हो जब यहाँ पर कोर्ट चलते हैं तब क्या काम होता है? ये जो CAC सेंटर खुले साहब जगह जगह राइट, इससे जो है हमारा काम सारा चौक क्या खुले हैं? CAC सेंटर। अच्छा, CAC सेंटर खुले बर्मखाल बराबर राइट, चिन्याली, कब से कब खुले हैं ये? आजकल क्या हो गया सब, 2-3 साल तो, साल 2 साल तो हो गए पहले। आपका बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया, पर फिर भी यदि कोर्ट प्रॉपर चले तो शायद काम तब बराबर रहे। जी जी जी, चल सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, एक यहाँ पर जो बराबर काम करते कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट हुए हैं, पूरी गतिविधि नहीं चल रही है प्रॉपर यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जब मैं डुंडा ब्लॉक में पहुँचता हूँ तो बहुत सारे, जब मैं बाइट्स ले रहा था, बहुत सारे ऐसे भी हमें लोग देखने को मिले जिनका कहना है कि एक साइन के लिए उनको कई दिन रुकना पड़ रहा है। हम भी जब आदर्श जोशी जी के इंटरव्यू लेने पहुंचे तो वो सीट पर नहीं मिले, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो उनको काम दिया गया है उस वजह से साइन करने में कई दिन लग रहे हैं। तो शायद यहाँ पर और एक एडवोकेट मिलते हैं मुझे, आनंद जी, आप तो समाज की आवाज़ भी हैं, आप जिला पंचायत भी रहे हैं पहले, तो पूछ के देखता हूँ क्या कह रहे हैं।
आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप देख रही हैं यहाँ पर ब्लॉक में हम आज पहुंचे हुए। इसमें तो बहुत जो यहाँ कैसे पर ऐसा है, जो आपने जोशी जी को लेके बात किया एसडीएम साहब को लेके, तो अभी नया नया ट्रांसफर उनका हुआ है और हमने भी तो अनुरोध किया है उनसे, लेकिन उन्होंने भी अपनी वो जताई कि डीएम साहब द्वारा उनको काफ़ी अतिरिक्त भार दिया गया है। और लोगों के तो ठीक है, हमारे यहाँ पे तो तहसील मुख्यालय है, काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, तो थोड़ा परेशानी हो ही रही है कि किसी का काम अगर आज होना है तो साहब अगर मान उपलब्ध नहीं हो पाते थे तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो हमने वकीलों ने भी साहब से अनुरोध किया, तो साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि ठीक है, मैं जल्दी से अपना कुछ करता हूँ। और हम भी सभी अधिवक्ता ये सोच रहे थे कि थोड़ा डीएम साहब को मिल लेते कि आज रहे जोशी जी को, थोड़ा हमारे एक्सएम साहब को थोड़ा दुन लगे फ्री कर रहे, क्योंकि उन्होंने तो काम करना है, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं जनता का काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये कि अगर यहाँ पे थोड़ा उन्हें फ्री किया जाता तो थोड़ा हमारा काफ़ी बड़ा परगना भी है, ज़्यादा मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा असुविधा नहीं है। लोगों की भी जरूरत है और कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं हाँ कि साइन के लिए। इसके अलावा ये भी नहीं, देखने को तो मिलता है ही कि सर। लोग बेरोजगारी तो पहले ही है और बढ़ने के चांसेस है। लोग बोल रहे हैं अंदर हमारे अर्जुन अभी इस समय मिले उनके पास काम नहीं, बिल्कुल खाली होगी जब कोर्ट नहीं चलेगी। तो लगता है कि आप ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो ही है। अब मैं तो जिस व्यवसाय से जुड़ा हूँ, माना अगर साहब यहाँ पे बैठे रहते हैं तो जरूर थोड़ा मेरा मतलब ये कि लोगों के कई आदेश हैं, कुछ ये है, कहीं ना कहीं तो साहब बढ़ता है। को क्यों नहीं, चलिए इसका इसका उम्मीद फायदा उठाना करेंगे चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट साहब। और आज हम डुंडा के सर्वे पे निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं हम कल बहुत जल्दी हम हॉस्पिटल की ओर भी जाने वाले हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि डुंडा का जो हॉस्पिटल है उसका जो है अपग्रेडेशन होना है, वो अपग्रेडेट नहीं हुआ है अभी तक। और दूसरी मैं बात करूँ, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुरोध करेंगे कि जो यहाँ पर आदर्श जोशी जी हैं उनको थोड़ा रिलीफ किया जाए, ताकि हमारे जो यहाँ पर बेरोजगार लोग हैं, तो जनता जो दूर दूर से यहाँ पर पहुँचती है उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल महेश बोगड़ा, डुंडा ब्लॉक से, दिल्ली क्राइम प्रेस के लिए, एनएन न्यूज़ के लिए आज हम अपनी मुहिम पर निकले डुंडा ब्लॉक।